न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के अंजड़ से, जहां अंजड़ का नगर परिषद का मुख्य कार्यालय गिर गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, सुबह 4 बजे की ये घटना है। ये पूरा भवन धाराशाही हो गया, पूरा गिर गया है। गनीमत रही कि सन घुसवालिया दीवान द्वारा 1908 के लगभग बनाया हुआ ये भवन, देर रात सुबह का समय होता तो ये बड़ा हादसा होता, लेकिन ये रात में ही गिरा है। भवन गिरने के समय चौकीदार ओमकार बडोले ने बताया कि ये 4 बजे की घटना है। सुबह भवन का कुछ हिस्सा गिरने की आवाज होने से वो अंदर की तरफ भागा और पूरे कंपाउंड में धूल ही धूल भर गई। जी हाँ, हमारे संवाददाता अंजड़ से सतीश परिहार जुड़े हैं हमारे साथ। जी सतीश, बताएं क्या है पूरा मामला, अचानक ये बिल्डिंग कैसे गिर गई? आप देख रहे हैं, ये 112 साल पुरानी बिल्डिंग, नगर पालिका का भवन जो जर्जर हो चुका था, आपके सामने उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गिर गया है। गनीमत ये रही कि 4 बजे सुबह का समय था, कोई सिर्फ एक चौकीदार मौजूद था, कोई ज़्यादा यहाँ पे लोग नहीं थे, आवागमन नहीं था। ये यदि दुर्घटना सुबह या दोपहर के समय होती तो लगभग 4 से 5 लोग यहाँ पर मौजूद रहते और बाहर से आने वाले आगंतुक उनको भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता। तो गनीमत यह रही कि कोई ज़्यादा जनहानि भी नहीं हुई, सिर्फ एक हिस्सा इसका गिर के क्षतिग्रस्त हुआ है, आपके सामने हम दिखा दें, और बड़ी जनहानि होने से बच गई है। ओंकार भाई, क्या है पूरा मामला, कहाँ पे थे आप रात को जब बिल्डिंग गिरी? भैया, मैं 4 बजे सफाई के लिए उठता हूँ डेली, मतलब तो मेरा उद्देश्य है उठना और सफाई करना, पानी भरना, ये वो। तो मैं जैसा बैठा वैसा पहला तो पिल्लर में से थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। इसके बाद में मैंने सोचा कि थोड़ी मिट्टी गिर जाएगी, अपन अंदर जाके बैठ जाते हैं। तो अंदर जा गया मैं, फिर बैठा कुर्सी पे आराम से, तो थोड़ा 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 तीर तीर आवाज़ आई। उसके बाद में धीरे धीरे पूरा बिल्डिंग नीचे गिर गया, तो मैं अंदर ही रह गया। और उस इसने रसीद ने मेरे को आवाज़ लगाई तो आवाज़ मेरे को सुनाई नहीं। फिर उसके बाद में 5 मिनट बाद में पीछे के रास्ते दरवाज़ा खोल के ना बाहर आ गया। जब भवन गिरा तब किस तरीके की आवाज़ आई? और तीर तीर और 5 मिनट में पूरा बिल्डिंग भस नीचे आ गया। कैसा लगा आपको जब बिल्डिंग गिरा उस समय, भयानक स्थिति थी उस समय? वो तो सर मेरे को अंदर से मतलब दिखाई नहीं दिया, बाहर वाला बता रहा है कि बहुत धुआं हुआ। जी क्या है पूरा मामला बिल्डिंग गिरने का? ये सुबह 4 बजे की घटना है। चौकीदार यहाँ पर जो ड्यूटी पर था उसने बताया कि सुबह 4 बजे अचानक से भरभराने की आवाज आई। वो अंदर के हॉल में चला गया और शायद 5 मिनट हुए होंगे, और आगे का जो हिस्सा है वो भरभरा के पूरा नीचे गिर गया। क्या क्या नुकसान होने की सूचना मिल रही है और कितनी पुरानी बिल्डिंग थी ये? 1908 की स्थापना इस नगर पालिका की, पुरानी बिल्डिंग है जी। नुकसानी तो जनहानि तो कुछ हुई नहीं है, और ऐसे तो ज़्यादा नुकसानी का आकलन अपन नहीं कर सकते हैं। पुराना कुछ सामान रखा हुआ था। कौन कौन से ऑफिस इसमें कार्यालय चल रहे थे फिलहाल? इसमें लेखा शाखा चल रहा था, स्टोर शाखा चल रहा था, आवक जावक वाहन शाखा और कंप्यूटर का भी चल रहा था हमारा। संजय जी, ये घटना दिन में होती तो कितने लोग मौजूद रहते हैं यहाँ पे? दिन में होती तो शायद 5 से 6 जन तो कम से कम यहाँ पर रहते ही रहते, तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। फिलहाल नुकसानी का आकलन हो गया? नुकसानी का आकलन अभी मलबा हटने के बाद ही होगा।